नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूं एक ऐसी केस स्टडी जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार दोस्तों मैकडॉनल्ड्स, जो हम सभी का सबसे फेवरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, कैसे आखिरकार दोस्तों मैकडॉनल्ड इतना बड़ी फ्रेंचाइजी ओनर बन गया, कैसे आखिरकार मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में छाया हुआ। क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे ना ये जो मैकडॉनल्ड का जो टेस्ट था, देखो दोस्तों टेस्ट इनका शुरुआत से ही नॉर्मल था। इनकी जो अपनी फूड फास्ट फूड जो इन्होंने 14 साल पहले खोला था एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, वहां पे भी सेम ही था। लेकिन दोस्तों क्या उसमें प्रॉब्लम हो गई थी कि लोगों को डिलीवरी टाइम पे नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने रेस्टोरेंट में बहुत सारी मशीन्स जो पहले से ही आपकी जो आलू पैटी होती है मैकडॉनल्ड्स की वो तैयार रखेगी। पहले फ्रेंच फ्राइज नहीं आए थे दोस्तों, ये सिर्फ बर्गर और कोल्ड ड्रिंक बेचा करते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा चलन में आ गए। फ्रेंच फ्राइज जो थे दोस्तों वो कुछ सालों बाद इन्होंने
चल गया था कि ये जो इनका रेस्टोरेंट है वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाला है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर्स बहुत ज्यादा तादाद में आते थे, दूर दराज से आते थे कैलिफोर्निया इनका सिर्फ बर्गर खाने। तो दोस्तों इनको पोटेंशियल पता चल गया था इनके रेस्टोरेंट्स का कि बहुत ज्यादा है। और दोस्तों 1959 तक इन्होंने 100 रेस्टोरेंट्स खोल दिए थे विद इन कैलिफोर्निया, जो कि अच्छा खासा $1 मिलियन बिजनेस करने लग गई थी। इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1961 में इस कंपनी को खरीद लिया $2.7 मिलियन में, लोन लेके इन्होंने पूरी की पूरी कंपनी के राइट्स खरीद लिए लोन पे लेके। दोस्तों उसके बाद जब इन्होंने ये कंपनी खरीद ली, उसके बाद तो जैसे इस कंपनी ने करूं ऐसे बिजनेस को सेटअप करने में। अगर आपको ये पसंद आई दोस्तों केस स्टडी, और अगर आपको ऐसी केस स्टडीज के बारे में और जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन से केस स्टडीज के ऊपर चाहिए वीडियोस। मैं कोशिश पूरी करूंगा दोस्तों बनाने की। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और हर उस बंदे तक दो जिसको ये वाली नॉलेज फ्रेंचाइजी की नहीं है। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।